गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद बनर्जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। माय ग्लैम का कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, खुद के प्रोडक्ट्स है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो अनबॉक्सिंग आपके सामने करने को अच्छा लगता है। माय ग्लैम का प्रोडक्ट जो मंगाया है उसमें मैंने, तो चलिए देखते क्या निकलता है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने खुद मंगाया है। इसमें दो चीज़ें आपको पता ही है निकलेंगी, तो एक तो है मनीष मल्होत्रा का आई शेडो पैलेट और एक और कोई प्रोडक्ट है इस समय, चलिए देखते हैं, इस समय नहीं याद आ रहा लेकिन है, मैंने ऑर्डर किया। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह के बॉक्स में आया है माय ग्लैम का। ये देखिए इस तरह का आता है ये पूरा। मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले एक ही तरफ का खोला तो खुल गया। अरे यार, हाँ मेकअप रिमूवर वाइप्स। मुझे मेकअप रिमूवर का पता नहीं, इतना शौक है कि मैं मेकअप रिमूवर ऑयल बाम माइसलर वाटर रिमूवर पता नहीं क्या क्या ले डालती हूँ। दो पैकेट्स मुझे वाइप्स मिले हैं मेकअप रिमूवर के, माय ग्लैम लिट के। एक पैकेट आपका है 349, ये दो पैकेट ये मिले हैं। और साथ में मुझे मिला है मनीष मल्होत्रा का, मुझे मतलब रिसीव हुआ है ये आई शेडो पैलेट, जिसका कि जो रेट है वो MRP है 1850, लेकिन काफी ऑफर में इस समय माय ग्लैम ऐप पे अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। आपको याद होगा माय ग्लैम के मैंने काफी सारे अनबॉक्सिंग किए हैं, जिसमें कि आपको याद होगा कि मनीष मल्होत्रा का मेरे पास लिपस्टिक से लेकर पूरा बेस मेकअप है, कंसीलर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट और आईलाइनर भी है, आई शेडो बाकी था वो मैंने ले लिया, शिमर वाला उसको क्या कहते हैं ल्यूमी क्रीम भी है माय ग्लैम का। मेरे पास एक आई शेडो पैलेट की कमी थी, आई मेकअप जब तक आप आई शेडो नहीं लगाते हैं तब तक कंप्लीट नहीं होता है, तो लाइनर्स होने के बावजूद मैंने ये एक पैलेट ले लिया। शिमर का भी आई लाइनर है मेरे पास मनीष मल्होत्रा का। चलिए इसको ओपन करते हैं, काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग है, प्रोडक्ट भी काफ़ी लग्जूरियस है। नया तो खुलने में थोड़ा तो दिक्कत करेगा ही। तरह से ये कवर होके आता है, मैंने ये लगा दिया। अब इसमें आपको ये ब्लू मैट शेड, ये भी मैट शेड, ये भी ग्रे भी मैट शेड मिलता है। ऊपर ये पीच मैट शेड, लाइट पर्पल जो कौन सा वाला कलर है, लाइलैक कलर, वो भी मैट मिलता है। इसके अलावा ये शैम्पेन शेड का शिमर है, ये लाइट ग्रे शिमर है, ये वाइट शिमर है, ये वाइन कलर का शिमर है, ये देखिए वाइन कलर का शिमर है। बहुत ही खूबसूरत, आप इससे कैसा भी लुक कर सकते हैं, मतलब स्मोकी आई तो वंडरफुल लगेगा। ये वाला जो कलर है शैम्पेन वाला है, इसी कलर की मेरे पास लाइनर भी है। इसके साथ ही साथ ये थोड़ा सा ग्रेश टाइप का है, सिल्वर ग्रेश। इसके साथ ही वाइट हाइलाइटिंग शेड भी है, ये देखिए, और हाइलाइटिंग शेड थोड़ा सा क्रीमी है, बाकी सब पाउडरी है, हाइलाइटिंग क्रीमी है। यस, हाइलाइटिंग शेड जो है वो क्रीमी है। बहुत ही गजब का पैलेट है, सारे शेड ही इतने लग्जूरियस है कि हम आपको बता नहीं सकते, मेरा तो दिल आ गया है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इस पे ये शेड आपको मिलेगा। सबसे पहला शेड देखिए, ये है आपका शैम्पेन कलर का आपका वो शेड है शिमर, फिर मैट है इसी से मिलता जुलता, फिर लैलैक कलर का मैट है, फिर इधर सिल्वर आपको मिल जाएगा, ग्रे या सिल्वर आपको शिमर मिल जाएगा, ये देखिए, फिर जो है वाइट जो है ये भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा क्रीमी शिमरी शेड है, क्रीमी है, बाकी ये भी आपका पाउडरी शेड है लेकिन शिमर शेड का वाइन कलर है ये वाला। और इसके बाद जो है ग्रे मैट,
ये देखिए मॉव कलर टाइप का है, ये मैट है पिंक मॉव और ये ब्लू भी मैट है। काफी सुंदर शेड है, जितना भी तारीफ की जाए वो कम है, और शिमर का तो गजब है, हम आपको कह नहीं सकते इतना सुंदर है। चलिए इसके शेड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं एक तरफ, ये मैट शेड लेते हैं इसमें का पिंक वाला जो है, बस एक स्वाइप में बहुत सारा, इतना पिगमेंटेड है जैसे लग रहा है बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है, ये देख सकते हैं। अब इसमें से इसी कलर का ये जो शिमर शेड है ये लेते हैं थोड़ा सा और बीच में लगा लेते हैं। इसको आप ब्लू के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप रोल करके इस तरह से लगाएं तो ये सीधा जो लाइन आ रहा है ये नहीं आएगा, ब्लेंड हो जाए। अब आप खुद ही देख सकते हैं क्या मस्त आई मेकअप मेरा हुआ है। एक सीधी लाइन मैंने लगा डाली थी तो उसी को थोड़ा सा आप जो है इस तरह से बीच में लेके लगाना है आईलिट के, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। काफी खूबसूरत शेड्स है सारे, कितने क्या बताएं आपको, इसीलिए मुझे ये पैलेट ही काफी पसंद आया है। आई होप आपको पसंद आया होगा सारे शेड इसके, ये देखे शिमर वाले भी काफी अच्छे हैं और इसका जो मैट शेड है वो भी काफी अच्छा है, जितनी भी तारीफ करें आप उसकी कम है। और जो शिमर क्रीमी शिमर है वो तो मुझे हाइलाइटर है वो बहुत ही मुझे पसंद आया है। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अब इसका एक मैट निकाल के ये निकाल के देखते हैं वाइप की मेकअप मेरा रिमूव करता है कि नहीं। इस तरह से आपको लॉक सील कर देना है क्योंकि जिससे ड्राई ना हो, और इसको निकाल के इसी को रिमूव करके देख लेते हैं। एक स्वाइप में रिमूव हो गया। चलिए मेकअप रिमूव जो हमने आई शेडो लगाया है उसको भी रिमूव करके देखते हैं। लीजिए किस तरह से ये मेकअप मेरा पूरा रिमूव कर दे रहा है। आज तक का सबसे बेस्ट मेकअप रिमूवर वाइप है, जबकि मैंने पर्पल कलर का लाइलैक कलर का लाइनर लगाया था, इसने वो भी निकाल बाहर कर दिया है, वाटरप्रूफ लाइनर था। अब देख सकते हैं बेस नहीं निकालूंगी क्योंकि वीडियो शूट करनी है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया है, सिर्फ मेकअप रिमूव ही नहीं, आप अपने फेस को क्लीन करने के लिए दिन भर से थके हैं, रास्ते में आपको मेकअप करना है तो आपने पहले से फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद आप जो है अपना मेकअप लगा सकते हैं। बहुत ऑयली फेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है, ज़्यादा होगा तो आप जानते ही हैं कि एक्ने और उसकी पिंपल्स की संभावना होती है, तो आप इससे फेस क्लीन कर लीजिए, ऑयल भी इससे निकल आएगा और फेस रिफ्रेश हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हाइड्रेटेड और वो लगेगा। मुझे ये काफ़ी पसंद आया। अब इसमें क्या क्या है, इन्फ्यूज्ड विद लोटस एक्सट्रैक्ट के साथ है, रिमूव्स वाटरप्रूफ मेकअप, मॉइस्चराइजिंग, सॉफ्ट एंड जेंटल आफ्टर यूज। देखिए आफ्टर यूज के बाद भी क्या ग्लो आ रहा है, हर चीज आपके सामने है, हर चीज। मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं करती कि हाँ मुझे पसंद है तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे ब्रांड्स ने पैसे नहीं दिए कि मैं सिर्फ तारीफ करूँ, लेकिन माई ग्लैम प्रोडक्ट अच्छा निकालता है। बहुत लोगों को लिक्विड लिपस्टिक नहीं पसंद आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कम दाम में, आप अगर एक रुपए का ले रहे हो उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उसका पेट करके ले रहे हैं तो वो लिपस्टिक आपको एक रुपए की मिल जाती है, तो उसमें क्या ही आप मतलब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से वो 100% बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे ये काफ़ी पसंद आया है, बहुत भीनी भीनी इसकी फ्रेग्रेंस है, मज़ा आ गया यूज़ करके, मैं तो अब इसे ही यूज़ करने वाली हूँ। आप भी यूज़ करके देखिए, जो एफिलेटेड लिंक है वो मैं आपको दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा इसको और ज़रूर मंगा लीजिएगा, ट्राई करिएगा आप भी मेरे कहने पे। मनीष मल्होत्रा का ये आई शेडो पैलेट अगर मेकअप लवर है तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि
जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही बेस्ट है, बहुत लीजिएगा। जिस तरह से लग्जूरियस इसकी पैकेजिंग है, 9-in-1 आई शेडो है, 9 शेड आप देखते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 ये है। सुनिए पर्ल आई शेडो जो क्रीमी था वो उसको आप पर्ल आई शेडो कह सकते हैं। हाँ, मेटालिक्स मैट्स स्पार्कल्स एंड पर्ल आई शेडोज बहुत ही अच्छा है, आप जरूर इसको वो करिएगा, ट्राई करिएगा। ये जो किट है इसका जो शेड नंबर नेम है वो एनचांटे है, ENCHANTE, ये इसका शेड नेम है, तो इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही बेस्ट आपको लगेगा, मुझे बहुत ही पसंद आया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, हम जल्द वीडियो लेके आते हैं। आजकल थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहे हैं, शॉर्ट्स को भी आप मेरे देखा करिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए,